हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम बना रहे हैं फ्लेवर पनीर, तो आपको मामा इसकी रेसिपी बताएंगे। चले मामा बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको सिंपल पनीर तो आपने बहुत ज़्यादा देखा भी होगा और बनाया भी होगा और एक्चुअली बनाया भी होगा, लेकिन आज मैं आपको फ्लेवर्ड पनीर बनाने की तरकीब बताने लगी हूँ। बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है। आप सिंपल इसको पराठे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और भी किसी चीज़ में और कई चीज़ों में यूज़ होता है, आप कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर्ड होगा ये पनीर, फ्लेवर्ड पनीर होगा। सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध लिया, कच्चा दूध लेना है आपने, जब आप शॉप से लेके आते हैं वही दूध, उसको आपने थोड़ा सा उसे हल्का सा बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद हम उसमें धनिया डालेंगे। मैंने 1 लीटर में 1 प्याली धनिया बारीक काट के डाला है और 1 कप ही मैंने हरी ग्रीन चिली डाली। अब अपने फ्लेवर के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। वो दोनों चीज़ें आपने इसमें हल्का सा बॉयल हो जाए तो आपने दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर लेनी है। और 1 टीस्पून आपने इसमें नमक डालना है, 1 टीस्पून आपने इसमें शुगर ऐड करनी है, चीनी कर लें तो वो करना है। उसके बाद आपने इसे ऐसा इसे हल्का हल्का, और आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसको करने के लिए, वो आपने नीचे फ्लेम इसका बहुत ही हल्का रखना है, ये हल्की आँच पर होगा तो उसका ख़ास ध्यान रखना है आपने। तो अब हम इसको हल्का हल्का सा बॉयल करते हैं। जब इसको हल्का सा बॉयल आ जाएगा, आपको लगे कि अब ये पक रहा है थोड़ा सा, तो हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब आप देखते जाएं, आप हमें फॉलो करें, आप देखते हैं सारे स्टेप्स आप फॉलो करें इसको, तो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। मैं आपको बहुत सारे फ्लेवर के पनीर सिखाऊंगी इंशाल्लाह आगे आपको। आज हम धनिया और ग्रीन चिली वाला, यानी कि ग्रीन पनीर हम बनाएंगे। आइंदा आने वाली वीडियोस आप देखेंगे कि मैं आपको 3-4 किस्म के पनीर्स के फ्लेवर बताऊंगी। ये जो बाहर आप मोज़रेला चीज़ और ये चेटर चीज़ वगैरह खाते हैं, उससे बहुत बेहतर है कि हम अपने घर में इसको खुद तैयार करके यूज़ करें। उसमें ये आप पिज़्ज़ा वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। पनीर, पालक पनीर भी बना सकते हैं। पनीर को आप खुशक, आगे मैं आपको इसकी वीडियोस भी बताऊंगी और बनाने के तरीके भी आपको मैं बताऊंगी। बहुत सारे फ्लेवर के पनीर हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और आपने ये वाला पनीर बना के और मुझे लाजमी ये बताना है कि आपने कमेंट्स में बताना है कि कैसा बना और आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। सिंपल पनीर से कितना अच्छा था और बाहर वाले पनीर से तो बहुत ही बेस्ट है। ऑर्गेनिक बिल्कुल पनीर बनाएं और घर में इसे यूज़ करें। ये ज़रूरी नहीं होता पिज़्ज़े में था सा आपने ऑलिव ऑयल हाईलाइट करेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे जो इम्पोर्टेड रेसिपी इसकी, जो हमारी सीक्रेट भी है, लेकिन मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बना के बताइएगा कि वो कैसी बनी। 1 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। हमने इसमें योगर्ट ऐड करके इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून और योगर्ट ऐड करेंगे। तो देखिए, हम इसमें 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे, इसकी जो सीड्स हैं हम उसको निकाल लेंगे। है ना।
पनीर स्टेज में आ जाएगी, हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। और ये देखें ये बिल्कुल, अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। ये नहीं, अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। तो देखें हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है, आ जाएगा। हमने इसको ड्रेन कर लिया अच्छी तरह से, पानी इसका निकाल दिया है हमने। अब जो प्लेट लेनी है, जो भी शेप लेनी है, आप उस बर्तन में डालें, ऊपर से बर्तन रख दें इस तरह। तरह से हमने रख दिया, तरह से कोई भी वजनी चीज आप इसके ऊपर रख दें ताकि उसकी शेप जो है ना वो बन जाए। चलें इसको रख देते हैं, फिर उसके बाद हमारी पनीर बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने इसको प्लेट से निकाल के इसके ऐसे पीसेस कर लिए और अब हम इसको प्लेट में रख रहे हैं। पनीर को डिश आउट कर लिया है माशाल्लाह से, इतनी अच्छी पनीर हमारी रेडी हो चुकी है बिल्कुल फ्रेश। और इस पे टेस्ट में बहुत मज़े किए। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के